हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही थी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको एग्ज़ाम से पहले 2000 प्लस करंट अफेयर करवा दूंगा। तो ये आपका पांचवा पार्ट होगा आज का। इससे पहले मैं टोटल चार पार्ट्स अपलोड कर दूँगा, तो जिन लोगों ने वो सारे पार्ट्स नहीं देखे या जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो जाके वो सारे पार्ट्स देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च विच सॉन्ग टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के लिए अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ने कौन सा सॉन्ग लॉन्च किया था, उस सॉन्ग का नाम बताना। तो वो गाना था हवा आने दे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड ए टास्क फोर्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक टास्क फोर्स बनाई है सेकेंडरी मार्केट फॉर कॉरपोरेट लोन्स के लिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सेकेंडरी मार्केट फॉर कॉरपोरेट लोन्स के लिए आरबीआई ने एक टास्क फोर्स बनाई है। तो उस टास्क फोर्स को कौन हेड करेगा, तो उसके जो हेड होएगी वो होगी टी एन मनोहर। तो इसके अलावा दोस्तों, टी एन मनोहरन के अलावा आपको एक चीज़ और याद करनी है, जो टी एन मनोहरन है ये आपकी कैनरा बैंक के चेयरमैन है, ठीक है, ये चीज़ भी आपको साथ में याद करनी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, पपुआ न्यू गिनुआ इसके नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं। तो इसके जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो है जेम्स मरापे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कंट्री का पहला ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट कहाँ बनेगा। तो कंट्री का जो पहला ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट बनेगा वो आपका हैदराबाद में बनेगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हैदराबाद में कहाँ बनेगा, तो आपको टिक करना है तेलंगाना। हैदराबाद में, तेलंगाना में आपका ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट बनेगा, पहला, इंडिया का पहला ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन से इंडियन राइटर है जिसको नाइन डॉट्स प्राइज़ मिला हुआ है 2019 का। तो नाइन डॉट्स प्राइज जो मिला है वो मिला है एनी जैदी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, स्पाइस जेट इंडिया की कंपनी है, एक स्पाइस जेट एयरलाइंस कंपनी है, आप लोगों को पता होगा। तो इसके पास टोटल 100 एयरक्राफ्ट हो गए। तो आपको ये बताना है ये कौन से नंबर की कंपनी बनी है जिसके पास टोटल 100 एयरक्राफ्ट हो गए। तो ये फोर्थ नंबर की कंपनी है जिसके पास टोटल 100 एयरक्राफ्ट हो गए। नाम याद रखना है स्पाइस जेट, आपको एग्जाम में उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ स्वॉन इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसका नाम है स्कॉट मॉरिसन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रिकॉर्ड डैश वुमेन कैंडिडेट्स हैव बीन इलेक्टेड टू द 17 लोकसभा इलेक्शन। अभी जो 17वें लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसमें कितने वुमेन कैंडिडेट्स को इलेक्ट किया गया, ये एक रिकॉर्ड बना है, पहली बार ऐसा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 78। पहली बार आपके 78 वुमेन 78 वुमेन्स कैंडिडेट को इलेक्ट किया गया है 74th लोकसभा इलेक्शन में, ये एक रिकॉर्ड बना है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इंडिया का पहला ट्री एम्बुलेंस कौन सी सिटी में इनोग्रेट किया गया। तो इंडिया का जो पहला दोस्तों ट्री एम्बुलेंस है ये आपका चेन्नई में इनोग्रेट किया गया, ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच नेशन हैज़ बीन इलेक्टेड टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द फर्स्ट यूएन हैबिटेंट असेंबली। फर्स्ट यूएन हैबिटेंट असेंबली के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के रूप में इंडिया को इलेक्ट किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द फर्स्ट यूएन हैबिटेंट असेंबली। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इंडिया ने कौन से ग्रुप को इनवाइट किया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी 30 मई को। 30 मई को इलेक्शन जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी, तो उस शपथ में, उस सेरेमनी में इंडिया ने कौन से ग्रुप को इनवाइट किया था। तो उस ग्रुप का नाम है बिम्स्टेक ग्रुप, बिम्स्टेक ग्रुप को इन्वाइट किया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच टाउन ऑफ द मध्य प्रदेश हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ यूनेस्को। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओरछा। मध्य प्रदेश के उस टाउन का नाम बताना है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को में इंक्लूड कर लिया गया, तो उस टाउन का नाम है ओरछा, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से वो कौन सी कंपनी है जो अपना खुद का ग्लोबल कॉइन लॉन्च करेगी, क्रिप्टो करेंसी, उस कंपनी का नाम बताना है, उस कंपनी का नाम है फेसबुक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सी कंट्री ने 16वां सुदीर्मन कप 2019 जीता, उस कंट्री का नाम बताना है, उस कंट्री का नाम है ऑप्शन नंबर बी, चाइना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ वोन द गोल्ड इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल एट द ISSF वर्ल्ड कप इन म्यूनिच। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपूर्वी चंडेला, ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली कश्मीरी वुमेन का नाम बताना है। तो माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाली पहली कश्मीरी वुमेन है उसका नाम है नाहिदा मंजूर, ऑप्शन नंबर ए, नाहिदा मंजूर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रधानमंत्री ने इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहले कौन सी फॉरेन कंट्री को विजिट किया था। तो वो है आपकी मालदीव्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इलेक्शन जीतने के बाद, अभी दूसरे टर्म की इलेक्शन की बात हो रही है, सेकेंड टाइम इलेक्शन जीतने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने मालदीव्स को सबसे पहले विजिट किया।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ट्रैक्टर की एक कंपनी है दोस्तों ट्रैक्टर की, जिसका नाम है ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड। इस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो इस कंपनी ने जो आपका अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो अक्षय कुमार को बनाया है। ऑप्शन नंबर सी, सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, माउंट मकालू को स्केल करने वाली पहली इंडियन वूमेन कौन बन गई है? तो माउंट मकालू फिफ्थ हाईएस्ट माउंटेन है, इसको स्केल करने वाली जो पहली वूमेन बनी है वो है प्रियंका मोहिते। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, स्क्वायर किलोमीटर एरे SKA ये क्या चीज़ है? तो स्क्वायर किलोमीटर एरे ये आपका टेलीस्कोप है, जो कि आपका अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ वोन द जॉन मीरो प्राइज़ ऑफ 2019? 2019 का जॉन, आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने पहले भी वीडियोस में इंक्लूड किया, शायद ये वाला क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नालिनी मलानी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु विल बी सोन इन द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ द आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश के जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं वो बने हैं जगन मोहन रेड्डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कमिंग राउंड द माउंटेन? कमिंग राउंड द माउंटेन इस बुक के ऑथर कौन है? इस बुक के ऑथर है रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी टू स्केल द सेवन पीक्स इन द सेवन कॉन्टिनेंट? उस पहले पाकिस्तानी का नाम बताना जिसने सात पीक्स, सात कॉन्टिनेंट्स के सात पीक्स को स्केल किया या उन पर चढ़ी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मिर्ज़ा अली। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का, ये कौन से एयरक्राफ्ट से, कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट से ये टेस्ट फायर किया? इसका नाम बताना है, इसका नाम है SU-30MKI, SU-30MKI। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ओमान के एक ऑथर है जिनका नाम है जोखा अल रहती, इनको बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ मिला है, तो कौन सी बुक के लिए इनको बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ मिला है? तो उस बुक का नाम है सेलेस्टियर बॉडी। ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक हाई लेवल कमेटी बनी है डिजिटल पेमेंट्स के लिए, RBI ने एक कमेटी बनाई है डिजिटल पेमेंट के लिए, हाई लेवल कमेटी, उस कमेटी के हेड कौन रहेंगे? तो उस कमेटी के जो हेड बने हैं वो है नंदन नीलेकनी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जोको विडोडो कौन सी कंपनी के प्रेसिडेंट को दोबारा री इलेक्ट हुए हैं? तो जोको विडोडो किसके प्रेसिडेंट है? ये आपके इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये 229 नंबर क्वेश्चन आपका मैंने होमवर्क के लिए इंक्लूड किया, तो इसका कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को आंसर बताना होमवर्क के लिए। एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दे रहा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, BSNL ने कौन सी कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया ताकि वो वाईफाई फुटप्रिंट को एक्सपेंड कर सके? तो BSNL ने गूगल के साथ पार्टनर किया। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसराइल में एक जेरूसलम फिल्म फेस्टिवल होगा 2020 में, तो इस जेरूसलम फिल्म फेस्टिवल में कौन सा फोकस कंट्री रहेगा? तो ये आपका इंडिया फोकस कंट्री रहेगा जेरूसलम फिल्म फेस्टिवल 2020 में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने अनाउंस किया एक प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग DNA डेटाबेस बनाए जाएंगे, तो ये DNA डेटाबेस किस चीज़ के बनाए जाएंगे? तो इंडियन राइनोस के आपके DNA डेटाबेस बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट इन देयर फर्स्ट अटैम्प्ट? पहले अटैम्प्ट में किसने हिस्ट्री क्रिएट की है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG ने यह हिस्ट्री क्रिएट की है, उन्होंने पहले अटैम्प्ट में माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इशू मसाला बॉन्ड? मसाला बॉन्ड सबसे पहले केरला ने इशू किया है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन सा ICGS है जो अभी रिसेंटली डी कमीशन कर दिया गया 29 साल की सर्विस के बाद? तो उसका नाम बताना, उसका नाम है विग्रह। ऑप्शन नंबर बी, ICGS है जिसको डी कमीशन कर दिया गया 29 साल की सर्विस के बाद। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ICSSR इसने अभी अपना कौन सा फाउंडेशन डे बनाया? इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 49th फाउंडेशन डे बनाया ICSSR ने। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द यूनाइटेड नेशन रिसेंटली हैज़ इम्पोर्ट सेंक्शन ऑन द विच ऑफ द टेरर ग्रुप? यूनाइटेड नेशन ने अभी अभी कौन से टेरर ग्रुप पर सेंक्शन लगाए हैं, इम्पोज सेक्शन इम्पोज किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, ISIS खुरासन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ बीन री इलेक्शन विद एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट इन साउथ अफ्रीका? कहने का मतलब है कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन बने हैं दोबारा री इलेक्ट हुआ? ये बने हैं सिरिल रामाफोसा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी NBSA के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसके नए चेयरमैन बने AK सिकरी। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि AK सिकरी का पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम है अर्जन कुमार सिकरी, अर्जन
कुमार सिकरी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द भारत पे। सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर है सलमान खान, और अगर आपसे पूछा जाए कि फ़ोन पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो फ़ोन पे के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है आमिर खान। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नाबार्ड हैज़ लॉन्च 70 करोड़ वर्थ वेंचर कैपिटल फंड नेम वट फॉर एग्री एंड रूरल स्टार्टअप्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नबेंचर इसका नाम है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्रीज लूनर मिशन बेयरशीट क्रैश इन टू द मून। इनमें से कौन सी कंट्री का लूनर मिशन था जिसका नाम था बेयरशीट, जो कि मून पर क्रैश हो चुका है, उस कंट्री का नाम बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसराइल, ऑप्शन नंबर बी, इसराइल का ये मिशन था जो कि मून पर क्रैश हो चुका है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंडियन, ट्विटर के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने हैं इंडिया ऑपरेशन के लिए, इंडियन ऑपरेशन के लिए जो ट्विटर के MD बने हैं उनका नाम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनीष महेश्वरी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन सा टेरर ग्रुप है जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि जो श्रीलंका में एस्टर अटैक हुए थे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टेरर ग्रुप ने ली है, तो इस टेरर ग्रुप का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इस्लामिक स्टेट, 45 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रावना वन इज़ द सैटेलाइट, कौन सी कंट्री ने ये वाला सैटेलाइट आपका लॉन्च किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका ने रावण वन ये सैटेलाइट लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन सी कंट्री G20 समिट होस्ट करेगी, विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट जो कि नवंबर 2020 में होगा। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरेबिया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे दोस्तों होस्ट की बात हो रही है, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म एक रेड बस नाम की एप्लीकेशन है, आप सबको पता होगा, जो जिससे कि हम बस की टिकट बुक कराते हैं, तो इस रेड बस नाम की एप्लीकेशन ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने TV पे ऐड भी देखी होगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक है वो है 140, 140वां रैंक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है कि वरुण जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और कौन से देश के साथ मिलकर होती है। तो वरुण एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस आपस में मिलकर करते हैं, तो फ्रांस के साथ इंडिया दो एक्सरसाइज करता है, एक तो वरुण होगी और जो दूसरी है वो है आपकी गरुड़, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो दोस्तों गिव इट अ थम्स अप, लाइक करना, और जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो।